गुजारे और उस 23 साल में मैंने दुनिया की हर चीज़ ही देख ली और मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से था, इट वॉज अ ब्लेसिंग कि आई वर्क ओवर देयर एंड आई अचीव व्हाट आई कुड हैव नेवर अचीव्ड इन माय लाइफ। 23 साल ज़िंदगी के जब आप गुजार देते हैं ना किसी चीज़ में तो वो लगता है कि वही आपका घर है, अपना घर बार आदमी भूल जाता है। और उसमें मैंने क्या नहीं देखा, क्या फायरिंग के इंसिडेंट्स नहीं देखे। ये आयरन लेडी जो मुझे लिखा है ना, अब आयरन लेडी तो मुझे अब छोटी सी बात रह गई है। बम धमाके देखे, ग्रेनेड अटैक्स देखे, ग्रेनेड्स सामने देखे। मैंने कभी ज़िंदगी में ग्रेनेड्स नहीं देखे थे लेकिन हमने वो ग्रेनेड्स भी देख लिए। क्लैशनकॉफ से फायरिंग हुई मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने हुआ और मैंने वो भी देखा। इट्स इम्पॉसिबल टू नरेट द स्टोरीज दैट वी हैव सीन। कोविड आया बहुत वो इंतकाल कर गई, दे हैड बर्न इंजरीज एंड बोथ ऑफ देम डाइड, सो इट वाज सो अनफॉर्चुनेट फॉर एवरीबॉडी के ये वाकया हुआ। उस रात को जब ये सारा कुछ हो गया, रमज़ान का महीना था, 2 दिन बाद ईद थी, सो आई सडनली हैड एक्सपीरियंस सीवियर एब्डोमिनल पेन। तो हम डॉक्टर्स अपनी परवाह तो कभी करते ही नहीं है, तो आई थॉट आई शुड गो टू द सीटी स्कैनर एंड गेट अ स्कैन। पता नहीं मेरे दिमाग में इट वॉज सच अ सीवियर पेन दैट आई थॉट आई शुड गो देयर। तो मैं चले गई सीटी स्कैन में और वहाँ पर जब हमने स्कैन किया तो देयर वॉज ब्लॉकेज इन माई राइट नियर माई राइट आईलिड फोसा विच वॉज क्लोज टू द सीकम। एंड 2 डेज लेटर आई वॉज ऑपरेटेड टू फाइंड आउट दैट आई हैड सी ए गोलन विच वॉज यू नो इट स्ट्रक मी बट आई बिहेव वेरी नॉर्मली। मैंने कभी इसीलिए शायद आयरन लेडी लेडी कहते होंगे कि मैंने बिल्कुल वो नहीं किया कि मुझे जैसे कोई सदमा लग गया हो कि जी ओ कैंसर ना हो कैंसर। लेकिन हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट बात जो है, मैं डॉक्टर्स को इसीलिए कहती हूँ कि कंपैशन जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर कंपैशन नहीं होगा जो भी कहे। अच्छा बहुत कॉमन सी बात है कि आप सी ए कोलन करते रहे या कैंसर हो गया, ओ हो शी इज़ गॉट कैंसर, ओके I've survived 3 years now. I've been fighting the war of cancer for 3 years. 6 times I've undergone chemotherapy. I've gone through radiotherapy. I've gone through six times under chemotherapy. You can imagine. And also immunotherapy. तो आप सोच सकते होंगे कि मेरा अंदर से दिल का क्या हाल होगा। लेकिन मैं आज आपके सामने बड़ी बहादुरी से खड़ी हूँ। And I'm still doing the work that I need to do because I'm not going to let this. मैं इसको जाने नहीं दूंगी जब तक आखिरी दम तक हम लड़ सकेंगे। मैंने सोचा कि विल फाइट इट। इस सिलसिले में मैंने जो राह में देखा बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमारे डॉक्टर्स को क्योंकि हम डॉक्टर्स होते हैं ना, हम परली तरफ बैठे हुए होते टेबल के, तो हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है पेशेंट के साथ। दवाइयाँ लिखी, कीमोथेरेपी लिखी, ये लो जी पर्चा लो, तो जाओ इस बिल्डिंग में जाओ उस बिल्डिंग में जाओ और वो आपको नर्सेस लगा देंगे। बट कंपैशन एक चीज़ होती है वो हमारे यहाँ बड़ी लैक करती है। कीमोथेरेपी से आदमी के बाल गिर जाते हैं, कुछ और इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं ट्रिप किया था। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू ट्रिप हियर, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट एट ऑल बिकॉज आई हैव बीन वेरी नॉर्मल। आई जस्ट द स्टेयर वॉज लाइक इट वॉज अ टॉलेस्ट स्टेयर फॉर मी, सो आई ट्रिप्ड इन देयर। बट नॉर्मली आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। सो डॉक्टर्स को कभी मैंने कभी बोला ना डॉक्टर्स को कि जी मेरे बाल गिर रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो कोई जवाब मुझे कभी नहीं मिला, कोई कंपैशन नहीं नज़र आया कि वो तो सबके गिर जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। मगर दिस हिट्स यू, दिस हर्ट्स यू। एंड अगर वो कंपैशनेटली जवाब दें मुझे या मेरे जैसे और हज़ार पेशेंट्स होंगे, मैं तो एक स्पेशल पेशेंट थी लेकिन मेरे जैसे हज़ार आम पेशेंट्स होते हैं जो प्यार से आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम क्या करें, तो जवाब मिलता है ये तो सबके ही हो जाता है। भाई आप कुछ करें तो सही, आप अगर इंग्लैंड अमेरिका में हो या किसी और वेस्टर्न कंट्री में हो तो आपके साथ लोग बहुत अच्छा सलूक करेंगे। दे विल बी कंपैशनेट, दे विल गिव यू देयर सीट, दे विल गिव यू स्पेशल डिस्काउंट्स एज यू आर अ कैंसर पेशेंट। दिस इज व्हाट हैपेंस, बट देन इट डजंट हैपन इन पाकिस्तान and this is unfortunate. So if you have a cancer department over here, I think this is something a moral story that I'm telling you from my life ki bahut hi aapko compassionate hone ki zarurat hai.
जो कुछ भी हो पेशेंट के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए. दिस इज द की वर्ड, बिकॉज डॉक्टर्स बने तो हम सब डॉक्टर्स बन गए, लेकिन हमारे इस दिल के अंदर जो हाल है वो वैसा नहीं है जो होना चाहिए. और मेरा ख्याल में हर एक को थोड़ा दिल में नरमी कर लेनी चाहिए उन लोगों के लिए. फ्रॉम द हैव्स एंड हैव नॉट्स, आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, द वाइस चांसलर सिटिंग हियर, द डीजी हेल्थ, ऑल द पीपल, स्पेशली समबडी हु स्पोक अबाउट कोविड, बिकॉज आई एम वन पर्सन who never got COVID until date, alhamdulillah. So, but I have treated several hundred patients of COVID, but I never got COVID. And I'm so grateful to Allah now for this, ke, despite being immune compromised, I got away from COVID. And I want to thank you all, Dr. Raheel, everybody who sits here, all my colleagues, all my juniors, all my seniors, everybody, कि आपने मुझे ये इज्जत दी कि आपने मुझे इधर बुलाया, और मैं बहुत शुक्रगुजार. थैंक यू वेरी मच.